हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एरिवा फ्रॉम मैन सिनेरियो और आज जो हम फोन रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रियलमी C25Y। तो ये फोन रिसेंटली रियलमी ने अपने सी सीरीज में ऐड किया है। इस फोन की इस वक्त जो प्राइस है वो है 26,999 रुपीज। और इस प्राइस टैग में ये फोन क्या क्या ऑफर कर रहा है अभी चल के देख लेते हैं। हाउएवर, इस फोन की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कुछ दिनों पहले की थी, अगर आपने वो मिस कर दी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की लुक एंड फील की। जो कलर वेरियंट हमारे पास है वो है मेटल ग्रे में। इसमें एक और कलर वेरियंट आता है वो है ग्लेशियर ब्लू और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है। अच्छा, तो इसकी जो बैक है इट इज़ प्लास्टिक लेकिन वो पूरा मैट फिनिश का है और जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसमें कुछ बहुत थिन लाइंस दी हुई हैं और अगर आप नेल से फील करें तो थोड़े से रिजिड भी आपको फील हो रहे हैं। फ़ोन थोड़ा चंकी है क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो बड़ी है। बाकी इस फ़ोन की ग्रिप बहुत अच्छी है, कर्व्ड एजेस हैं जैसे कि आप लोग नज़र आ रहा होगा और पीछे हमें ट्रिपल AI कैमरा सेटअप दिया हुआ है। और अगर आप नोट करें तो कैमरा का जो पैनल है यूजुअली कि ब्लैक होते हैं बट इसमें सेम कलर का पैनल दिया हुआ है विच लुक्स रियली नाइस। और पीछे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, बॉटम पर रियलमी की ब्रांडिंग है, एक स्पीकर दिया हुआ है। वो फ़ोन के राइट पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं और उसके बिल्कुल नीचे पावर बटन है। फ़ोन के लेफ्ट पे हमें डुअल सिम ट्रे विद एक्सटर्नल स्टोरेज का स्लॉट दिया हुआ है और फ़ोन के बॉटम पे हमें माइक्रो USB 2.0 का चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है और हेडफोन जैक दिया हुआ है और फ़ोन का जो टॉप है वो बिल्कुल क्लीन है। तो अब बारी आती है फ़ोन को स्विच ऑन करके सेटअप करने की ताकि हम लोग इसके बाकी स्पेक्स चेकआउट कर सकें। हो चुका है और सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। इसमें 6.5 इंचेस का IPS LCD पैनल है 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ। साथ में इसके आ रहे 420 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वाटर ड्रॉप नॉच, इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है। और अगर हम इसके बेजल्स की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि साइड पे जो है वो थिन रखे गए हैं, चिन पे थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अगर हम इसके कलर्स और शार्पनेस की बात करें तो देर क्वाइट डिसेंट। अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है या अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसिंग स्टोरेज की। इसमें है यूनिसॉक T610 का पावरफुल ऑक्टोकोर प्रोसेसर जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है और साथ में इसके है Mali G52 का GPU। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4GB रैम विद 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है। इंटरफेस की अगर बात करें तो इसमें रियलमी UIR है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। तो इसमें अगर आपको अपनी डे टू डे ऐप्स यूज़ करनी है या अगर आपको इवन मल्टीटास्किंग करनी है तो वो आप आराम से करेंगे। अगर आपको बैक एंड फोर्थ ऐप्स पे स्विच करना है तो उसमें कोई लैग फील नहीं होगा और आपकी जो स्वाइपिंग है, स्क्रोलिंग है, उसमें भी आपको कोई लैग फील नहीं होगा। और तो यहाँ पे PUBG फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आप हाई फ्रेम रेट PUBG खेल सकेंगे और 40 FPS पे आप बहुत स्मूथ गेमिंग कर सकेंगे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कैमरा की। इसमें AAA कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल का मेन, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। अगर हम लोग इमेज क्वालिटी की बात करें तो मुझे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगी है, कंट्रास्ट वगैरह भी बहुत अच्छे लगे हैं, काफ़ी डिसेंट इमेजेस आ रही हैं। हाउएवर, जो एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि कलर स्लाइटली ऑफ हैं। और अगर हमें वीडियो मोड की बात करें तो आप इसमें 1080p पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेल्फी शूटर पे। इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है जिससे काफ़ी डिसेंट सेल्फीज आ रही हैं। हाउएवर, जो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो है इसका पोर्ट्रेट मोड। यूजुअली सेल्फी जब आप लेते हैं तो उसमें पोर्ट्रेट मोड का फीचर आता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इसकी एक मेजर सेलिंग पॉइंट की और वो है इसकी 5000mAh की बैटरी जो कि आ रही है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसको हैवी ऐप्स यूज़ नहीं करनी है, डे टू डे ऐप्स यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या इवन योर ईमेल, तो आपका फ़ोन आराम से 1.5 से 2 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हैं तो आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट फुल चार्ज करना पड़ेगा अपना फ़ोन। और तो ये था हमारा आज का रिव्यू। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रियलमी C25Y कैसा लगा। ब्रांड स्नैडी को लेटेस्ट टेक अपडेट के लिए फॉलो करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।